अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फार्मूलाज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने कर लिए थे। आज हमने करना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की टाइप्स कितनी हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड करना है आज, यानी कि उसकी क्लासेस कितनी हैं, उसे कितने क्लासेस के अंदर कितने टाइप्स के अंदर क्लासीफाई किया गया है, तकसीम किया गया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने किस्म के होते हैं, ठीक है। देयर आर टू क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की कितनी क्लासेस हैं हमारे पास, टू क्लासेस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। उर्दू मीडियम में भी इसी तरह से लिखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की दो क्लासेस हैं जो ये हैं। देयर आर टू क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारे पास एक सबसे पहली जो क्लास है वो क्या है, ओपन चेन। ओपन चेन हमारे पास है ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड या ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या एलिफेटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड। जहाँ मैंने ओ सी लिखा हुआ है वहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड आना है, आपने पूरा पूरा लिखना है। ओपन चेन को ए साइक्लिक भी कहते हैं और एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। अगर कोई पूछ ले एलिफेटिक के कौन से कंपाउंड से, कन्फ्यूज नहीं होना, वही ओपन चेन कंपाउंड्स हैं। अगर ए साइक्लिक पूछ ले तब भी वो ओपन चेन कंपाउंड्स ही हैं। अब ओपन चेन और दूसरा जो हमारे पास है वो क्लोज चेन है, क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स। ओ सी ऑर्गेनिक कंपाउंड, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या क्लोज चेन, दोनों एक ही होते हैं। अब ये ओपन चेन और ये क्लोज चेन का क्या मतलब है, क्या मुराद है इससे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इस तरह की कुछ चेन टाइप है, अब ये क्या है ओपन चेन, ये जो हमारे पास है ये वाली, ये हमारे पास ओपन चेन है। क्यों ओपन चेन है, क्योंकि इसके अंदर जो लास्ट वाले ये कॉर्नर्स हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, खुले हुए हैं, बिल्कुल सीधे हैं। अगर हम इसको देखें, अब ये जो है हमारे पास ये कौन सी है, क्लोज चेन है। क्लोज चेन है क्योंकि इसके अंदर हमें पता नहीं चल रहा लास्ट शुरू कहाँ से हो रही है, ख़त्म कहाँ से हो रही है, क्योंकि लास्ट वाले और शुरू वाले आपस में जुड़े हुए हैं, कॉर्नर्स जो हैं वो आपस में जुड़ गए हैं और साइकिल बना लिए। इसीलिए क्लोज चेन को क्या कहते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं और ए साइक्लिक कहते हैं। ओपन चेन को ए का मतलब होता है नॉन, नहीं, ए का मतलब होता है नो। ए का मतलब क्या होता है हमारे पास, नो, यानी कि ये ए साइक्लिक नहीं, ए साइक्लिक का मतलब वो साइक्लिक नहीं है। ओपन चेन समझ आ गया कि ओपन चेन कौन सी होती है और क्लोज चेन कौन सी होती है।